बैक टू बैक कमाल की ट्रिक्स देने के बाद आपके लिए आज फिर एक अमेजिंग ट्रिक लेकर आया हूँ, जो कि आपको 100% जेन्युइन और विदाउट ड्रॉप वाले फॉलोअर्स देगी। ठीक है, तो आप बहुत सारी वीडियोस देखते देखते थक चुके हो, लेकिन आपको फिर भी जेन्युइन फॉलोअर्स नहीं मिल रहे हैं, आपको रिजल्ट जीरो मिल रहा है। तो मैं आपको एक ऐसी ट्रिक देने के लिए आया हूँ आज फिर से, जो हमेशा से देता चला आ रहा हूँ मैं, जो आपके जेन्युइन फॉलोअर्स और नॉन ड्रॉप फॉलोअर्स देगी। ठीक है, जो आपको लाइक्स भी करेगी, कमेंट भी करेगी। तो आप लोग वीडियो में मेरे साथ एंड तक बने रहना। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक करके जाना, बाकी चैनल पर अगर पहली बार आए तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन ऑल पर क्लिक जरूर कर लेना, जिससे मेरे आने वाली हर वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो चलिए चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन की तरफ और बताते हैं उस धमाकेदार ट्रिक के बारे में। तो सिंपली गाइस आ चुके हैं मोबाइल की डिस्प्ले पर, आपके सामने आती रहेगी, आप लोग इसको जैसे मैं बताऊंगा आप वैसे ही करते चलना, या आप वीडियो को सेव भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ से अपना करना है गूगल ओपन। फिर से आज उसी वेबसाइट के बारे में बताने जा रहा हूँ जो मैंने आपको रिसेंट वीडियो में बताया था, लेकिन उसके अंदर जो ट्रिक इस्तेमाल होगी वो कुछ डिफरेंट होगी। ठीक है, तो सिंपली यहाँ से हम सर्च करते हैं वही सेम CBDC स्पेस APK। ठीक है, सिंपली इसको सर्च कर देते हैं, मैं आपको डिस्प्ले पे शो कर दूंगा, सिंपल सी स्पेलिंग है। उसके बाद आपके सामने जो इंटरफेस खुल के आएगा, ये नंबर वन पे जो वेबसाइट आ रही है, आपको सिंपली इस पे क्लिक करना है CBDC ग्राम पर। ठीक है, तो CBDC ग्राम पर क्लिक करने के बाद हम पहुंचेंगे नए इंटरफेस पर, और नया इंटरफेस कुछ इस प्रकार से आपके सामने आने वाला है। उसको कुछ नहीं करना है आपको, सिंपली आपको 2 से 3 बार इस वेबसाइट को ऊपर से नीचे रिफ्रेश कर लेना, जिससे वेबसाइट पूरी तरीके से लोड हो सके। ठीक है, तो हमारी वेबसाइट यहाँ हो चुकी है पूरी तरीके से लोड। उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपली जो साइड में राइट साइड में एक ऑप्शन देखने के लिए मिल रहा है आपको सर्च बार का, यहाँ से हमें सर्च बार में क्या टाइप करना है, हमें यहाँ पर सर्च करना है मीडिया। ठीक है, स्पेलिंग मैं आपको डिस्प्ले पे शो कर दूंगा, आप इस चीज़ से परेशान मत होना कि भाई हमें स्पेलिंग समझ में नहीं आ रही। ठीक है, उसके बाद आपको इसको सर्च करना है, सिंपली आप इसको यहाँ से कर लेते हैं सर्च। सर्च करने के बाद आप पहुँचते हैं नए इंटरफेस पर, नया इंटरफेस आपके सामने फिर से कुछ इस प्रकार से आएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, जो नंबर वन पर आर्टिकल देखने के लिए मिल रहा है ये वाला, आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। तो हम सिंपली इस पर क्लिक कर लेते हैं, क्लिक करने के बाद पहुँचते हैं नए इंटरफेस पर, नया इंटरफेस कुछ इस प्रकार से आएगा, आपको सिंपली इसको 2 से 3 बार ऊपर नीचे रिफ्रेश करना है। फिर उसके बाद आपके सामने आपको इस टाइमर का वेट करना है। ठीक है, ये टाइम कंप्लीट होने का हमें वेट करना है, तो ये कंप्लीट होने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी, 10-15 सेकंड का टाइम होता है, ज़्यादा देर नहीं लगती। ठीक है, तो सिंपली यहाँ से अपना वेट हो चुका कंप्लीट। उसके बाद आपके सामने जो ये ओपन का ऑप्शन आ रहा है, सिंपली इस ओपन के ऑप्शन पर क्लिक करना है। ओपन के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद हम पहुँचते हैं नए इंटरफेस पर, नया इंटरफेस फिर से कुछ इस प्रकार से आएगा, जिसमें आपको फिर से 10 से 15 सेकेंड का वेट करने के लिए बोलेगा। ठीक है, ये जो आ रहा है आपको सिंपली इसका वेट करना है। तो अपना वेट हो चुका है कंप्लीट। अब उसके बाद हमारे सामने एक ओपन का ऑप्शन फिर से आने वाला है कुछ इस प्रकार से, हमें सिंपली इस पे ओपन के ऑप्शन पे क्लिक करना है। ओपन के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आप पहुंचेंगे मेन इंटरफेस पर, जो कि हमारा कुछ इस प्रकार से होने वाला है। आपको सिंपली इस पे अपनी इंग्लिश लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेनी है। लैंग्वेज सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ यूज़र नेम फिल करना है और फिर नीचे पासवर्ड फिल करना है। ठीक है, सिंपली आप ये जब फिल कर लेंगे उसके बाद आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद जैसा मैंने आपको रिसेंट वीडियो में बताया था, आपको सेम प्रोसेस वही फॉलो करना है। ठीक है, अगर आपको कोई चीज़ समझ में ना आती हो तो आप लोग मुझे कमेंट भी करके बता सकते हैं। ठीक है, कि आपको वहाँ से कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो मैं आपको इसकी फुली वीडियो दे दूंगा। ठीक है, तो यही थी आज की ट्रिक। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके जाना, बाकी एक प्यारा सा कमेंट कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।